रांची के जगन्नाथपुर थाने के बिरसा चौक के पास स्थित डीपी ज्वेलर्स में दिनदहाड़े लूट से कारोबारियों में डर का माहौल कायम हो गया है। हथियार की नोक पर ज्वेलरी दुकान से 1,40,00,000 के सोने चांदी के जेवरात लूट कर ले गए। इसके अलावा बदमाश ज्वेलरी शॉप से 3,00,000 नकदी भी लूट कर ले गए। हथियारबंद अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली भी मारी है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। संचालक ओम वर्मा के हाथ में गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। सभी लुटेरों के पास हथियार मौजूद था। पहचान छुपाने के लिए सभी लुटेरों ने हेलमेट पहन रखा था। वहीं हटिया के डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। इसके लिए इन बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पा रहा है देखिए घटना तो आपके सामने घटित हुई है कि 4 से 5 अपराधियों ने दुकान में डीपी ज्वेलर्स में लूट की घटना को खारिज किया है और इसमें से हम लोग अपराधियों का पीछा किए हैं। कुछ इसमें से इनका कुछ अपराधियों को छोड़ा हुआ सामान भी मिला है। बाकी लीज हम लोग पास में देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है उसकी गिरफ्तारी करेंगे। गैंग लगभग पहचान हो गई। राजधानी रांची में इस तरह की वारदात से कारोबारियों का आत्मविश्वास हिल गया है। इसीलिए रांची के शहर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्त करना चाहिए और पुलिस को जल्द से जल्द इस वारदात का खुलासा करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।